आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। AIMIM से जनाब माजिद हुसैन को हल्का असम्बली नामपल्ली से कैंडिडेट मुकर्रर किए जाने के बाद उन्होंने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। उसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, सदर कुलियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, कायदे मुकर्रिना कुलियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे लिए बड़ी इज्जत और फख्र की बात है कि सदर मजलिस ने, सदर बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने मुझ जैसे वर्कर पर अपना एतमाद जताया और हमें मौका दिया नामपल्ली के अवाम का खिदमत करने का। मेरे लिए सदर मजलिस के भरोसे की बड़ी अहमियत है। सदर मजलिस पर एक अहमियत और उनकी जो भरोसा है वो बहुत मायने रखता है। मुझे ये मालूम है अगर मेरे को सदर मजलिस के भरोसे पे खरा उतरना है तो मेरे को नामपल्ली के अवाम के तवक्कुआत पर, इब्तदाई सदर मुतमदीन के तवक्कुआत पर खरा उतरना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे सदर का भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मेरे सदर ने जो मुझ पर एतमाद किया है और उसके लिए दिन रोज जान मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह नामपल्ली की आवाम के तवक्कुआत पे पुरजोर तरीके से उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इब्तदाई सदर मुतमदीन जो सदर मजलिस हमेशा कहते हैं कि जमात तहरीर की थी, उसको और मजबूत करेंगे, उनको साथ लेंगे, उनको और ताकतवर बनाएंगे ताकि वो भी आवाम की और जस्तजू से मेहनत कर सकें और इंशाल्लाह नामपल्ली में जिस तरीके से तरक्याती काम मेरे बड़े भाई जाफर हुसैन मेरा साहब ने किए हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जब जाफर हुसैन मेरा साहब यहाँ पे MLA थे, कई करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हुए, इंशाल्लाह उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।